निशा रसोई की आज की रेसिपी है ट्रिपल फ्राइड राइस। ये 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसको मैंने इस तरीके से काट ली हूँ और 10 लाल मिर्ची को मैंने बॉईल करके इसका एक पेस्ट बना ली हूँ। और अब मैं चिकन में एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूंगी और नमक को भी मैं आधा चम्मच नमक मैं ऐड कर दूंगी और एक चम्मच भर के मैं मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इससे थोड़ा सा मैंने ऊपर और ली और चिकन में मैं मसाले लगाकर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। चिकन में मसाले लगाकर 10 मिनट हो चुका है। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर और अंडा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। अब मैं चिकन को एक चम्मच ऑयल डाल दी हूँ और चिकन को मैं फ्राई करके ले लूँगी। अच्छे से मैं चिकन को फ्राई करके ले लूँगी। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दी हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच भर के, आधा किलो चावल है मेरे, 2 चम्मच भर के मैं नमक डाल दूँगी और 1 चम्मच भर के मैं ऑयल डाल दूंगी और चावल को मैं बॉईल करके ले लूंगी और नूडल्स को भी मैं इसी तरीके से बॉईल करके ले लूँगी। चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं नूडल्स 1 पैकेट इतनी, इसको भी मैं बॉईल के लिए रख दी हूँ और चावल को मैं निथार के हवा के लिए रख दी हूँ। ट्रिपल फ्राइड राइस के ये इंग्रेडिएंट है। चावल को मैंने बॉईल करके रख दी हूँ और नूडल्स को भी मैंने बॉईल करके रख दी हूँ। चिकन को मैंने आधा चावल में डालने के लिए इस तरीके से रखी हूँ और इस तरीके से मैंने ग्रेवी में डालने के लिए रखी हूँ। ये हरी प्याज है और ये हरी प्याज का वाइट हिस्सा है। ये 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर है जिसको मैंने पानी में घोल कर रखी हूँ और ये चॉप करा हुआ लहसुन है, चॉप करी हुई अदरक है, ये 3 हरी मिर्ची है चॉप करी हुई, ये सेजवान सॉस है, ये 2 अंडे है, ये काली मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्ची का मैंने पेस्ट बना कर रखी हूँ और ये पत्ता गोभी है, ये गाजर है, ये शिमला मिर्ची है और ग्रेवी के लिए मैंने इस तरीके से शिमला मिर्ची, गाजर और पत्ता गोभी को कट कर ली हूँ। अब मैं सॉस तैयार करूँगी, एक ग्रेवी के लिए और एक चावल के लिए। 2 चम्मच भर के मैं विनेगर डाल दूंगी, 1 चम्मच भर के मैं रेड सॉस ले लूंगी, 2 चम्मच भर के पीसी हुई लाल मिर्ची का पेस्ट मैं ले लूंगी, 1 चम्मच भर के मैं सोया सॉस ले लूंगी और मैं इसमें हल्का काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। आप चाहे तो वाइट वाला भी काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये चावल का सॉस तैयार हो चुका है। अब ये चिकन की ग्रेवी का सॉस बना लूंगी मैं। 2 चम्मच भर के मिर्ची ले लूंगी पीसी हुई, 1 चम्मच भर के विनेगर ले लूंगी मैं, 2 चम्मच भर के मैं टमाटर केचप ले लूंगी और 1 चम्मच भर के मैं सोया सॉस ले लूंगी और थोड़ी सी मैं काली मिर्ची डाल दूंगी और थोड़ी सी मैं शक्कर डाल दूंगी और इसमें मैं सेजवान सॉस को 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी मैं ग्रेवी में और 2 चम्मच भर के मैं चावल में सेजवान सॉस 2 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड करूंगी। ऑयल मैंने 1 छोटा चम्मच भर के ले ली हूँ। अब इसमें मैं अदरक डाल दूंगी और लहसुन चॉप करा हुआ डाल दूंगी
और थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची को भी ऐड कर दूंगी, हल्का मैं भून लूंगी। अदरक लहसुन को मैंने हल्का भून चुकी हूँ, अब मैं शिमला मिर्ची को ऐड कर दूंगी। और गाजर को भी मैं ऐड कर दूंगी और पत्ता गोभी को भी मैं ऐड कर दूंगी। सब सब्जियों को मैं एक मिनट के लिए भून लूंगी। थोड़ा सा मैं हरी प्याज का व्हाइट पार्ट भी इसमें डाल दूंगी हल्का सा। हल्का सा मैं नमक ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं मिला दूंगी। सब्जियों को मैं भून चुकी हूँ, अब चिकन को भी मैं ऐड कर लूंगी। नमक मैंने कम ही डाली हूँ क्योंकि चिकन में भी नमक है और सॉसों में भी नमक है। अब मैं ये सॉस ऐड कर लूंगी, तो मैं अच्छे से मिला लूंगी। हल्का मैं पानी ऐड कर दूंगी। अब कॉर्नफ्लावर को भी मैं हिलाते हुए ऐड कर लूंगी और इसको भी मैं कॉर्नफ्लावर को मैं अच्छे से मिलाकर पका दूंगी। चिकन की ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें हरी प्याज को ऐड कर दूंगी और ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। 3 चम्मच भर के मैंने ऑयल गरम को रख दी हूँ। अब ये हरी प्याज का व्हाइट हिस्सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को भी मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे से मैं एक मिनट के लिए भून लूंगी। लहसुन प्याज और अदरक हरी मिर्ची इतनी हो चुकी है, अब मैं सब्जियों को ऐड कर दूंगी। गाजर शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को मैं ऐड करके एक मिनट के लिए भून लूंगी। अच्छे से मैं भून लूंगी सब्जियों को। हल्का सा मैं नमक सब्जियों में ऐड कर लूंगी और उसको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। सब्जियों को मैं साइड पे करके एक अंडा में इसमें फोड़ दूंगी। अंडे को मैं फोड़ चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद में अंडे को मैं मिला लूंगी। अंडे को मैं इस तरीके से फोड़ चुकी हूँ, अब मैं चिकन को भी ऐड कर दूंगी। सारों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं सॉस ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं सबको मिला लूंगी। अब चावल को मैं ऐड कर दूंगी। अब चावल के बाद मैं लूडस को भी ऐड कर लूंगी और सारों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। चावल को मैंने अच्छे से मिला चुकी हूँ, अब मैं हरी प्याज को ऐड कर दूंगी, इसको भी मैं मिला लूंगी और ये रेडी हो चुका है। चिकन ट्रिपल फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप किसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बन चुकी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।